15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1,00,000 केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2,25,000 केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं वो चाहे कहीं से भी जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा। 29,943 केस थे जिसमें 1,007 केस मिले थे और एक्टिव केस 17,712 है। दिल्ली के अंदर जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं लोग लगभग 4,500 लोग हॉस्पिटलाइज हैं और कल एक बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और तो प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा उसको एलजी साहब ने खत्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फोन मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई दो जगह आई थी और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी है दिल्ली में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे को हजारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। अब लोग चिंतित हैं कि भाई बाहर से भी इतने सारे लोग आएंगे जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, दिल्ली वाले लोग करते हैं। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर दिल्ली साहब ने उसको कर दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज करके आएंगे। दिल्ली की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने इस बात को माना नहीं। पहले हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप फ्लाइटें बंद कर दो, इसको 15 दिन बाद बंद किया गया। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को दिल्ली में रोका गया, भाई जिस देश के जिस राज्य के उसको भेज देते, तो सारा उसकी वजह से दिल्ली के अंदर ये फैला था। अब दिल्ली में जब इतने नंबर बड़े संख्या में केसेज है तो हमने तैयारियां की। आज भी हमारे पास लगभग 9,000 बेड है परंतु उसमें से 5,000 के करीब पंजीन हो चुके हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ बेड बढ़ाने के लिए, हम दिल्ली के लिए जैसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पर अगर बाहर से इतना बड़ा रश आएगा तो उसकी बड़ी चिंता है। कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी, एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। आप लोगों का आजकल बैठक है इसी पे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, आप ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल, देखिएगा कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं, जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा इसको ये बीमारी कहां से मिली। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती है। थर्ड स्टेज जो होती है कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता।
और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि इसको ये इन्फेक्शन पास है। सर राजधानी में कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे, लगभग आधे के नहीं पता लगता। सर राजधानी में पॉलिटिक का भी अब एक और आप लोग का फैसला जो था वो पलट दिया है, अब एसिम्प्टोमेटिक जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आया हो उसका भी टेस्ट होगा। तो सरकारी क्या स्ट्रेटेजी अब रहेगी इस बारे में बातचीत करेंगे। सर राजधानी में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अदरवाइज कोविड हॉस्पिटल्स वो लगातार पेशेंट्स को एडमिटेंस नहीं दे रहे हैं, आपने कहा कि बेड्स बचे हुए हैं। देखिएगा ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 15 दिन तक जितने बेड्स चल जाएंगे, परंतु 4-5 दिन में ही ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए थे भर गए, ज्यादातर भर गए। कल मैंने पूरे दिन मीटिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ अब फर्दर उसको एनहांस कर रहे हैं। आज आपकी मीटिंग है, क्या क्या आर्गुमेंट है दिल्ली सरकार की, क्या आर्गुमेंट है सर? दिल्ली सरकार बात करेगी भाई आपने देखो सबके लिए खोल दिया तो उसका अंजाम भी बताइए क्या करेंगे। हमेशा से क्या रहा है कि जो दिल्ली से बाहर के पेशेंट्स हैं दिल्ली में आधे से ज्यादा अस्पतालों के अंदर वो होते हैं, यानी अगर हमने 15,000 बेड चाहिए तो फिर 15,000 बाहर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सर मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है, क्या उनका टेस्ट हो गया है? आज टेस्ट किया जाएगा, अभी हुआ नहीं जी, आज किया। कल सर डीपीसीएम ने कहा कि अगर कम्युनिटी स्टेट पर हम लोग निर्णय पे पहुंच गए तो रणनीतिक बड़े बदलाव होंगे दिल्ली में। देखिए केंद्र सरकार मानेगी तभी पहुंचेंगे ना, अगर आप बीमार हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको बीमार वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई यहाँ बीमार है तब बात बनेगी। क्या केंद्र रोक रहा है आप लोगों को अपनी तैयारी? हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वही डिक्लेयर कर सकते। लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो क्या सरकार तैयार है? कम्युनिटी स्प्रेड तो एक टेक्निकल टर्म है कि है या नहीं है, उसको केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसे में आपको बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनका सोर्स नहीं पता लगा। तो सरकार तैयार है या नहीं? अभी तक तो तैयार है, पर कल का जो ऑर्डर है उसके बाद बड़ी दिक्कत वाली समस्या का यही मन में कि अगर मान लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि लगभग सब कुछ तो दिल्ली में अप्लाई हो चुका है, पूरे देश में अप्लाई, लॉकडाउन भी हो गया, कंटेनमेंट भी बना लिए, क्या होगा? कम्युनिटी स्प्रेड के बाद जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं तब मीटिंग कर लेते हैं फिर बताएंगे। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मेनली फिर इलाज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आज हम कहते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, अभी क्या होता है कि एक पेशेंट आया वो पॉजिटिव है, उसके कॉन्टेक्ट में 50 लोग 100 लोग होते हैं, अब वो 50-100 लोग में बीमार तो दो ही है, अब दो पे ध्यान दीजिएगा, उनका इलाज कीजिएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि केंद्र अब कॉपरेशन में कमी कर रही है, ये आपका क्या लगता है? कई सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, तो क्या कैपिंग नहीं होनी चाहिए? हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से रेट मंगाए हैं और उन सभी के रेट्स को भी पब्लिश किया जाएगा, उसको देखते हैं।